बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एमपी ऑनलाइन या सीएससी के माध्यम से आय अनिवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसमें आपको डीएसपी फाइल, जो भी डिजिटल सिग्नेचर फाइल होती है, उसको करने में कोई परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन लॉगिन करना है, यदि सीएससी से बनाना है तो सीएससी को लॉगिन करना है। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर लोड करना है जो कि फाइल को डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट करता है। तो आप देखिए, मेरे पास एक इमेज कॉर्पोरेट में मैसेज सिंह के नाम से मेरे वीडियो के नीचे उसमें लिंक दी हुई है, उसको आप क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और लोड करके आप उसको बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक A4 साइज़ के पेपर पर फॉर्म को इस टाइप से सेव करिए। इस टाइप से आय प्रमाण पत्र को स्कैन करिए। इसी प्रकार से निवास प्रमाण पत्र, इसको आप इस प्रकार से स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आपको इस एक नाम से सेव कर लें, जो भी नाम आपको याद हो। उस नाम से सेव करने के बाद आपको इसको खोलना है, इमेज कॉर्पोरेट। तो इसमें जहाँ भी आपने फाइल सेव किया है उस फाइल को खोलना है। जैसे मेरा फाइल इसमें डला है तो इसको एक खोलना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है। जैसे कि मेरा 01001 JPG ए निवास प्रमाण पत्र है। 0 ने ए निवास प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट किया, 001 JPG। तो इसके बाद आपको स्क्रीन पर देखने लगेगा, इसको आपको कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली लिखाएगा। तो आपको यहाँ पे उसी बॉक्स में नीचे कंप्रेस लिखा होगा, तो आपको इसको फिर से एक बार क्लिक करना है, फिर से वो दिखाई देगा। और आपको यहाँ अपना टोकन इसमें फंसाना है कंप्यूटर में, सिस्टम में, और साइन इन करना है। इसके बाद सिंगिंग डिसेबिलिटी पर आपको क्लिक करना है, तो आपका टोकन उसमें लगा होगा, तो ऑटोमेटिक आपका नाम और सब लिखा आएगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना पिन डालना है, जो भी आपका पिन है, और इंटर करना है। तो ये सक्सेसफुली सिंगेड आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर दिखेगा आपको कि A0.002 कॉपी। तो ये देखिए डिजिटल सिग्नेचर इसमें लग गया है। तो अब आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि लगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर सेव किया था, देखिए ये 00 कंप्रेस किया था। इसके बाद डिजिटल ADSD फाइल बन चुकी है। तो आप इस प्रकार से DS फाइल बना सकते हैं और आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके जो आय निवास प्रमाण पत्र का जो फॉर्म भरने का तरीका है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और धन्यवाद, आप मेरे अगले वीडियो का को देखें।